साथ, और वो है रूल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। रूल ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस ये आज हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो एफएससी है फर्स्ट ईयर बायोलॉजिस्ट के साथ, मतलब उसमें ये टॉपिक शामिल है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना आसान तरीके से हम आपको रूल ऑफ सनलाइट के बारे में डिस्कस करें कि ये किस तरह फोटोसिंथेसिस के लिए एक अहम रोल अदा करता है। तो सन जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स यानी अल्टीमेट सोर्स जो समझे जाते हैं वो है सन। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कोई तो सन पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कुछ उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लांट है वो डायरेक्टली उस पर डिपेंड करते हैं, उससे सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसको फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस केमिकल प्रोडक्ट्स को हम ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो उसको यूटिलाइज करके अपने लिए एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। तो आज हम रूल ऑफ सनलाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सन है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है, जो अल्टीमेट सोर्स है, वो सन को समझा जाता है। फिर सन के बाद मतलब कि ये तो सन है, यानी कि जो सन है ये किस तरह हमारे लिए यानी प्लांट्स के लिए, अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स समझा जाता है। तो आइए आगे चलते हैं कि जो लाइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस तरह की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, उसमें लाइट जो है वो हमारे साथ एनर्जी का एक फॉर्म है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो हमारे साथ ट्रेवल करता है, जो सन से आता है जमीन पर, वो आता है हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। मतलब कि जो लाइट है वो इस तरह वेव्स की शक्ल में अर्थ तक पहुंच जाता है। अब ये जो वेव्स आ रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। अब वेवलेंथ क्या है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारे साथ एक वेव्स है, सर तो दुनिया हमारे साथ एक वेव्स है, और इस वेव्स में जो मतलब आपको ये इनवोल्वेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनवोल्वेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, यानी कि एक इनवोल्वेड स्ट्रक्चर और दूसरे इनवोल्वेड स्ट्रक्चर के बीच में जो फासला आता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये एक रीजन है, ये क्रस्ट है, और दूसरा ये क्रस्ट है। इन बीच के दरमियान में जो फासला नजर आता है, जो डिस्टेंस नजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं फिजिक्स की जुबान में, और इसको हम एक खास सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको लैम्डा समझा जाता है। अब वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ मतलब कि जो सनलाइट आ रही है जमीन पर और इसका डिफरेंट वेवलेंथ है, तो हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ है वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम नैनोमीटर। नैनोमीटर सबसे छोटा यूनिट है मीटर का, तो नैनोमीटर इसमें आता है गेमाइस, और इसमें शामिल होते हैं मोर देन किलोमीटर, यानी कि जो वेव्स जमीन पर आते हैं ये वेव्स सबसे छोटे फॉर्म मतलब के नैनोमीटर के हिसाब से रेंजेस होते हैं उसमें, और इसके अलावा किलोमीटर के हिसाब से भी ये वेवलेंथ होता है। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई अमेरिका में हो और वहाँ से वो मतलब रेडियो वगैरह ऑन कर लेते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान में हो और हमारे साथ कोई अच्छा सा रेडियो सेट हो, तो हम वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी है उसको गेन कर सकते हैं थ्रू रेडियो वेव्स, क्योंकि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर के हिसाब से आता है। तो इस वजह से जो सनलाइट आता है, सनलाइट में डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं। अब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं जो डिफरेंट रेंजेस के होते हैं, उनमें से कौन से हमारे लिए नेसेसरी है ताकि हम मतलब अर्थ में सर्वाइव के लिए, जिंदगी को मतलब सर्वाइव करने के लिए कौन सा इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आ रहे हैं कौन सा हमारे लिए नेसेसरी है। तो ये आपको एक मतलब एक चार्ट नजर आ रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपको आगे समझ आ जाएगा कि जो हमारे साथ रेज है, मतलब कि ये जो रेज आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे साथ गेमा रेज है, फिर इसके बाद हमारे साथ है एक्स रेज, फिर इसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब ये है कि जितना वेवलेंथ शॉर्ट हो, जितना वेवलेंथ शॉर्ट हो, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक वेव है, ये हमारे साथ क्या है, एक वेव है,
अब ये वेव्स का जो ये वेव्स है इनमें से जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा ये वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा उतना ही उसमें एनर्जी ज्यादा होगा और जितना ये वेवलेंथ लार्ज होगा इस तरह तो इसमें इतना एनर्जी भी कम होगा और ये फिजिक्स में आपको शायद पढ़ाया होगा कि ये वेवलेंथ शॉर्ट होता है तो एनर्जी क्यों ज्यादा होती है और जब मतलब ज्यादा होता है तो उस टाइम में एनर्जी कम क्यों होती है। तो ये जो लाइट नजर आ रही है आपको मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ होते हैं जितना उसमें मतलब वेवलेंथ शॉर्ट होगा उसमें इतनी एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये हमारे साथ है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर उसके बाद आपको उस दरमियान में से एक ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे साथ विजिबल लाइट है या इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियोवेव्स, जितने हमारे साथ वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है जितना ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, जब वेवलेंथ बढ़ता जा रहा हो तो उसमें हमारे साथ एनर्जी लोअर होगा, एनर्जी क्या होगा लोअर, ठीक है जी। जितना एनर्जी मतलब जितना वेवलेंथ शॉर्ट लॉन्ग होगा उतनी एनर्जी ज्यादा कम होगा और जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगा। अब ये जो नजर में आ रहा है सेंटर में ये तो इसके डिफरेंट वेवलेंथ है लेकिन जो सेंटर में एक लाइन आप नजर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर शुरू किया है ये हमारे साथ है विजिबल लाइट या इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम और इसका एक डिफरेंट वेवलेंथ है 380 से लेकर 750 तक इसका वेवलेंथ है। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है असल में इसको विजिबल स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है क्योंकि इट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आईज, ये जो विजिबल लाइट है इसको इंसानी आंख से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इसको डिटेक्ट करते हैं इस वजह से इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये विजिबल स्पेक्ट्रम असल में जो अर्थ है इसमें मतलब इसकी वजह से जो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करके अपना प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। बाकी जो एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड वगैरह ये अर्थ के ऊपर आपको याद होगा कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है यानी कि जो उस जिसको हम ओजोन कहते हैं वो ओजोन लेयर जो है सनलाइट से मतलब इसके अलावा जितने भी मतलब हाई एनर्जी वेव्स है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ की अर्थ तक छोड़ती नहीं क्योंकि फिर ये अर्थ में अगर पहुंच गए तो फिर हमारे साथ डिफरेंट स्किन डिजीज डिफरेंट प्लांट डिजीज को अकर करेंगे तो जो जिसका बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसिस होंगे अर्थ पर तो इस वजह से ये अर्थ पर आती नहीं है। तो हमारे साथ ये वेवलेंथ के हिसाब से था कि हमारे साथ जो लाइट आता है ये दो तरह के आते हैं, एक तो हमारे साथ वेवलेंथ के फॉर्म में आता है जिसको हमने डिस्कस किया और अब दूसरा फॉर्म है लाइट आल्सो ट्रेवल या एक्स इन द बीम ऑफ लाइट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो लाइट आ रहा होता है ये हमारे साथ मतलब एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बीम ऑफ लाइट की शक्ल से आते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक लाइट पार्टिकल है और ये ट्रेवल करता है बिल्कुल स्ट्रेट मतलब वेव्स की शक्ल में बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट करता है तो फिर इसको हम कहते हैं फोटॉन। मतलब कि जो लाइट आता है ये दो तरह के होते हैं, तो वेवलेंथ के फॉर्म और दूसरा हमारे साथ फोटॉन के फॉर्म में भी ट्रेवल करते हैं। तो जो लाइट है ये क्यों जरूरी है अर्थ के लिए, इसका वजह ये है कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहे हैं उसमें जो सबसे यूजफुल है अर्थ के लिए उसमें विजिबल लाइट है और ये विजिबल लाइट हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि इसकी वजह से अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो 380 से स्टार्ट होकर 750 नैनोमीटर के हिसाब से मतलब पहुंच जाती है अर्थ में। तो ये हमारे साथ लाइट के हमारे साथ किस तरह हमारे लिए सनलाइट नेसेसरी है और किस तरह फोटोसिंथेसिस इसकी वजह से परफॉर्म होता है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था सनलाइट के हवाले से कि किस तरह ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, इसको फोकस करें वन टाइम।